हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए के एस अकेडमी फॉर सी एस सी में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसी मतलब आपका जो भी आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सारे जितने भी एग्जाम हैं उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैंने आज के वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और आपको आप ये जानने की भी कोशिश करिए कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, तो आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है। तो ये सब सारी चीज़ें आप क्या है एनालाइज़ कर सकते हैं अपने अंदर। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, 3 जोड़ी मतलब संख्या में यदि पूछ लिया जाता कि कितने जोड़ी मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 6। यहाँ पे जोड़ी पूछा है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, है ना। तो और एक बात और ध्यान में रखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड ध्यान में रखिए, पूछा गया है एग्जाम में पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है ना। तो देखिए, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, मुख गुहा में किसका पाचन होता है। देखिए, मुख गुहा में क्या होता है, स्टार्च जो होता है माल्टोज में बदलता है। जो स्टार्च है वो किस में बदलता है, माल्टोज में, है ना। अब देखिए, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का, है ना। एमपीपीएससी और एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का। और यहाँ पे देखिए, पाचन का मतलब देखिए पहले समझिए, है ना। पाचन जो होता है तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि वहाँ जल और एंजाइम ना हो। यदि पाचन तभी संभव होगा जब जल और एंजाइम दोनों प्रेजेंट हैं। यदि जल प्रेजेंट नहीं है, एंजाइम प्रेजेंट है, तो भी पाचन नहीं होगा। यदि एंजाइम प्रेजेंट है, जल प्रेजेंट नहीं है, तो भी पाचन नहीं होगा। मतलब पाचन के लिए जल और एंजाइम का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। बिना इन दो तत्वों के कभी भी पाचन संपन्न होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन पूछा है मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, मुख गुहा में टाइलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी है, ऑप्शन नंबर 2 भी है, मतलब टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, टाइलिन एक एंजाइम है, तो मतलब किसी ना किसी का पाचन कर रहा होगा। तो किसका पाचन करेगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी, देखिए स्टार्च को किस में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। मतलब किसका पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, एक प्रकार से टाइलिन, है ना। और लाइसोजाइम का क्या काम है, तो लाइसोजाइम जो होता है, जो भोजन के साथ जो भी अवांछनीय तत्व आते हैं, है ना, बैक्टीरिया वायरस, उनका भक्षण करने काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है। अब देखिए, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो देखिए, शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग है वो होता है दांत। अब दांत में भी 3 उसके लेयर होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे टाइप से होता है। और ये जो एरिया होता है, ये पूरा पल्ब होता है। अब ये जो बाहर वाला एरिया होता है, ये बाहर वाले को जो सबसे आपके दांत के जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको बोलते हैं इनेमल। ये जो उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। तो जो आपके दांत का सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है ना, वही सबसे कठोरतम हिस्सा है। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनेमल। और गाइस, आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि दांतों के ऊपर, जीवा के ऊपर और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो गाइस, जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और यदि वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो गाइस प्लीज़, वो वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और मैंने जो पाचन तंत्र और दांत और जीवा से संबंधित जो भी मैंने टॉपिक को पढ़ाया उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक को डाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्थायी दांतों की संख्या कितनी है। देखिए, पहले तो ये समझिए, स्थायी दांत क्या है, अस्थायी दांत क्या है। तो स्थायी दांत मतलब होता है कि जो पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार निकलते हैं, है ना, पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं।
और अस्थायी दांत क्या है कि जो पूरे के पूरे जीवन काल में कितने बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं। देखिए यहाँ पे स्थायी दांत पूछा है, मतलब केवल और केवल एक बार निकलने वाले दांत के बारे में पूछा है, तो कितने हैं वो 12। ठीक है, अब आपको पता है कि पूरे जीवन काल में अगर निकलने वाले दांत यदि 12 हैं और कुल दांतों की संख्या यदि 32 होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, अस्थायी दांतों की संख्या डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, आप इंक्लूड कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, 20 हो जाएगी, है ना। चलिए ये आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी, है ना। मानव शरीर में अस्थायी दांत कितने हैं, मैंने अभी बताया आपके 12 जो हैं वो स्थायी दांत हैं, है ना, 12 स्थायी दांत हैं, तो अस्थायी दांत कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमाशय से निम्न में कौन से अम्ल का स्त्रावण होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के अम्ल का स्त्रावण होता है और वो होता है HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो होता है, मतलब HCl अम्ल का स्त्रावण होता है। HCl अम्ल का स्त्रावण होता है अमाशय से, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने कराया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार PCS लेवल में पूछा गया है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड भले नहीं किया है, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि HCl का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, अमाशय से होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब यहाँ पे ये पूछा गया कि मानव शरीर में HCl का स्त्रावण कौन से सेल के माध्यम से होता है। यहाँ पे अभी तक मैंने अभी बताया कि जो HCl का स्त्रावण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, अमाशय से। अब अमाशय में कौन से सेल के माध्यम से इसका स्त्रावण हो रहा है, तो कौन से सेल के माध्यम से, ऑक्सेंट्रिक सेल। देखिए आपके UPSC MPPSC और छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सेंट्रिक सेल, है ना। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ऑक्सेंट्रिक सेल, ठीक है, आप इसको क्या है नोट करते चलिए, और मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ 5-6 चीज़ें एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ, उसको भी आप नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो मानव शरीर में HCl का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो आपको पता चल गया ऑक्सेंट्रिक सेल के माध्यम से इसका स्त्रावण होता है। अब ऑक्सेंट्रिक सेल कहाँ पाई जाती है ये भी पूछ सकते हैं, तो ऑक्सेंट्रिक सेल अमाशय में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कफर्स सेल, है ना। अब देखिए कफर्स सेल कहाँ पाया जाता है, तो कफर्स सेल जो है आपकी यकृत, मतलब लीवर में, है ना, लीवर में पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है कफर्स सेल का, तो कफर्स सेल एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो कि अमाशय में यकृत में पाई जाती है, जो कि हमारे भोजन में कई बार क्या होता है बैक्टीरिया वायरस या कई बार टॉक्सिक चीज़ें आ जाती हैं हमारे भोजन में, तो ये कफर्स सेल क्या है, उन टॉक्सिक चीज़ों को भक्षण कर लेता है, उनको नष्ट कर देता है, और कई बार क्या होता है जब ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें आ जाती हैं तो कफर्स सेल स्वयं नष्ट हो जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है ना। ठीक है, देखिए चीज़ों के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, यदि आपको चीज़ों के पीछे का लॉजिक पता है तो आपको यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप सॉल्व करने की स्थिति में ना होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है अमाशय में किसका किसका पाचन होता है। देखिए मैंने पहले बताया था कि अमाशय में मतलब पूरे शरीर में पाचन तभी होगा जब वहाँ पे जल होगा या तो एंजाइम होगा, दूध, वसा, प्रोटीन। ठीक है, पहले तो ये समझिए अमाशय में इन सभी का पाचन होता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि विशेष प्रकार का एंजाइम केवल और केवल विशेष प्रकार के तत्वों का क्या करता है, पाचन करता है। जैसे आपको पता होगा अमाशय से पेप्सिन का स्त्रावण होता है, है ना, पेप्सिन। मैंने सब सारी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने जो लेक्चर बनाया उसमें सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ। पेप्सिन किसका पाचन करेगा, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब आया वसा, है ना, वसा को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि अमाशय से इसका स्त्रावण होता है। अब देखिए अब दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसीन। ठीक है, कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन जो करता है वो करता है रेनिन। ठीक है, रेनिन, है ना, रेनिन करता है। और इन साथ पेप्सिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया और रेनिन, तीन प्रकार के जो एंजाइम निकल रहे हैं तो आपके कहाँ से निकल रहे हैं, तो आपके अमाशय से। कई बार पूछा भी जाता है कि जो दूध का पाचन कौन सा प्रोटीन करता है, तो रेनिन करता है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा अमाशय में किसका पाचन हो रहा है, तो अमाशय में किसका पाचन हो रहा है, इन सभी का पाचन हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दस देखिए, निम्न में से कौन मानव शरीर का अवशेषी अंग है। तो देखिए मानव शरीर का जो अवशेषी अंग है वो है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्यों है, देखिए पहले
आदि मानव काल में क्या होता था, कच्चे भोज मतलब कि उस समय क्या था, आग का तो आविष्कार हो गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो फल सब्जी जो भी चीज़ें थी वो सब आदमी क्या था, कच्चा ही खाता था, क्योंकि उस समय आग का क्या था, आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते थे लोग। उसका जब प्रयोग नहीं जानते थे तो क्या है, सभी चीज़ों को कच्चा खाते थे। उस समय क्या था, ये अपेंडिक्स जो था ये सेल्यूलोज का पाचन करता था, जो कि कच्चे फलों में पाया जाता है ना। अब ये भी पूछ सकता है कि आपका अपेंडिक्स किसका पाचन करता था, तो सेल्यूलोज का। अब सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है ये भी पूछ सकता है, तो सेल्यूलोज जो है कच्चे फलों और अनाज में पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए है ना, आपका जो राइट आंसर हो गया वो अपेंडिक्स हो गया, बट ये सीकम रेक्टम कोलम ये क्या चीज़ें हैं, तो ये जो चीज़ें हैं सीकम हो गया, रेक्टम हो गया, कोलन हो गया, ये आपके बड़े हाथ के क्या हैं, हिस्से हैं, है ना, ठीक है, बड़े हाथ के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपका कि पित्त रस का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है, आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो जो पित्त रस को इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं, है ना, बाइल जूस, तो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। अब देखिए जो पित्त रस है वो पाचन मतलब कि पाचन तो नहीं करता है, बट क्या है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है, वसा को जल में घुलनशील बनाने का काम कौन करता है, तो पित्त रस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 5 से 7 चीज़ें आपको पता चल रही हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। अब पित्त रस का निर्माण हो रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य भी होगा, तो पित्त रस का जो कार्य है वसा को जल में घुलनशील बनाता है ना। अब देखिए वसा को जल में घुलनशील इसलिए बनाता है क्योंकि जो वसा के जो पार्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में उनका पाचन संभव नहीं होता है। तो ये पित्त रस क्या करता है कि वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और जब वसा जल में घुल जाएगी तो उसका पाचन पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। देखिए चीज़ों के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, यदि लॉजिक पता है तो यकीन मानिए हर एक प्रश्न आपसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वसा को जल में घुलनशील बनाने का कार्य कौन करता है, अभी मैंने बताया वसा को जल में घुलनशील बनाने का कार्य कौन करता है, पित्त रस करता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल बताया आपको, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, देखिए प्रोटीन जब का पूरा कंप्लीट पाचन हो जाता है, प्रोटीन का पाचन कई स्टेप में होता है, जैसे आपके अमाशय में होता है ना, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है। देखिए छोटी आंत आते आते भोजन जब छोटी आंत पहुंचता है तो पूरी तरह से उसका पाचन संपन्न हो जाता है, तो प्रोटीन के जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अमीनो एसिड। ये आपके MPPSC यहाँ पे मैंने देखिए कई क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाता है, अमीनो एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या है, तो फैटी एसिड जो है वसा का फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, मतलब पाचन तो हो रहा है, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जा रहा है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यदि आप मेरे फर्स्ट क्वेश्चन से अभी तक यदि आप क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, मुख गुहा से। भोजन का अवशोषण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो देखिए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय में किसका किसका अवशोषण होता है, तो पहले बात तो जल का अवशोषण होता है, एल्कोहल का अवशोषण होता है, जो आप दवाई मेडिसिन ड्रग्स जो भी लेते हैं आप, मतलब दवाई में ड्रग्स भी मिला होता है बहुत ही माइनर रूप में, तो वो सबका पाचन होता है। जो आप जूस पीते हैं, मतलब ये समझिए कि जितने भी तरल पदार्थ आप जो भी पीते हैं उन सबका जो अवशोषण होता है वो अमाशय से हो जाता है, अमाशय से अवशोषण होना प्रारंभ हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आइए, वसा का अंतिम उत्पाद क्या है, मैंने 14 नंबर क्वेश्चन में बताया वसा का अंतिम उत्पाद क्या है, फैटी एसिड। अब अमीनो एसिड किसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो अमीनो एसिड जो है वो किसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो प्रोटीन है ना, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने 14 नंबर क्वेश्चन में साथ सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वह छोटी आंत में संपन्न हो जाता है ना, छोटी आंत में संपन्न हो जाता है भोजन का अवशोषण। अब भोजन का अवशोषण कैसे होगा, जो भी भोजन का अवशोषण हुआ, जो उसके फाइनल प्रोडक्ट्स बने, अमीनो एसिड, फैटी एसिड जो भी बनता है, ग्लूकोज बना, तो उनका जो अवशोषण होता है वो क्या होता है, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियाँ होती है, उनके माध्यम से
अवशोषित होता है और पूरे शरीर में जाता है ना, जिसे रसांकुर भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए चीज़ें आपको, है ना। अब देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मैंने शायद 9वां या 10वां क्वेश्चन कराया कि दूध कब, दूध जिसमें आया था कि अमाशय में किसका किससे पाचन होता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसमें, वहाँ पे मैंने ये भी बताया था दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता था, मतलब पाया जाता है दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब इस कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन नामक एंजाइम करता है, RENINE लिखते चलिए आप, रेनिन नामक एंजाइम करता है। अब रेनिन नामक एंजाइम जो है इसका स्त्रावण कहाँ होता है, तो इसका स्त्रावण होता है अमाशय में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यकृत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यकृत में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यकृत पाचन में भाग नहीं लेता किंतु पाचन में सहयोग करता है। 4वां क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड टू सही थर्ड गलत। देखिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था पाचन तभी संभव होगा जब वहाँ पे एंजाइम और जल होगा। अब यकृत में कहीं भी एंजाइम नहीं मिलता, यकृत में मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ एंजाइम का स्त्रावण होता ही नहीं है। अब जब यकृत में एंजाइम का स्त्रावण होगा नहीं तो वहाँ पाचन होगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने बट एक चीज़ बताया था कि यकृत से पित्तरस का निर्माण जरूर होता है। अब पित्तरस क्या करता है, वसा को जल में घुलनशील बना देता है तभी जाके उसका पाचन होता है, तो इसका मतलब ये है कि यकृत पाचन में भाग नहीं लेता किंतु पाचन में सहयोग करता है। तो आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यहाँ पे एक नहीं नहीं हाँ ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ क्या है, थोड़ा अलग टाइप से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट एंड टू सही थर्ड गलत, है ना, तो थर्ड बल्कि सही है, 1 और 2 गलत है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। क्यों, मैंने इसकी चीज़ें की, मैंने इसके पीछे की चीज़ें हैं वो अभी डिस्कस की है। यकृत पाचन में भाग नहीं लेता किंतु पाचन में सहयोग जरूर करता है, है ना, क्योंकि यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस जो होता है वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और जब वसा जल में घुलनशील होती है तभी जाके पाचन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमाशय में किसका पाचन नहीं होता, तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। एक बात बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके MPSI में है ना, MPSI और जो अभी अभी जेल प्रहरी, MP जेल प्रहरी की जो पोस्ट निकली है वो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब रूप से पूछी जाती हैं। तो आप गाइस प्लीज़ वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखा करिए और कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो भी मैं हर एक चीज़ के पीछे जो भी 8 से 10 चीज़ें बताता हूँ उसको आप क्या लिखते चलिए, कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो गाइज आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइज जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो पहली बार मेरे वीडियो को देखे हैं, तो गाइज आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।